भोट पुलिस पर हत्या करने का बड़ा आरोप। पुलिस ने भोट प्रभारी और दो पुलिसकर्मी के खिलाफ तहरीर पर जांच शुरू की। चेकिंग के नाम पर पुलिस ने की हत्या का लगा आरोप। यूपी के रामपुर में पुलिस पर ट्रक ड्राइवर की हत्या का आरोप लगा है। आरोप है कि रामपुर थाना भोट पुलिस रेत की गाड़ियों से पैसा वसूलती है। ट्रक नहीं रोकने पर पुलिस ने पीछा कर ट्रक ड्राइवर को ट्रक से उतार कर पिटाई की, जिससे डरे हुए ड्राइवर ने वहां से भागकर पिलाखार नदी में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले में परिजनों ने पुलिस पर कार्यवाही करने के लिए विरोध किया, साथ ही नैनीताल हाईवे जाम किया। एएसपी अरुण कुमार ने एसओ और दो पुलिसकर्मी पर जांच कर कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया है, जिसकी जांच सीओ कैमरी को सौंपी है। घटना पुलिस की चेकिंग के दौरान भोट थाना क्षेत्र में नैनीताल हाईवे पर हुई। हाईवे पर बुधवार को दोपहर बाद पुलिस चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान रेत से भरा ट्रक आया जो रामपुर की ओर जा रहा था। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने ट्रक को भगाना चाहा। पुलिस ने ट्रक का पीछा किया। रास्ते में चालक ने हाईवे किनारे ट्रक रोका और जंगल की ओर भागने लगा। इसी दौरान वह नदी में गिर गया और डूबकर मौत हो गई। मृतक चालक पास के ही गांव थूनापुर निवासी रईस पुत्र हबीब शाह था। गांव में सूचना मिली तो लोग मौके की ओर दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस पर कार्रवाई की मांग को लेकर थाने के सामने नैनीताल हाईवे जाम कर दिया। सीओ कैमरी अशोक कुमार पांडे भी मौके पर आ गए, जिन्होंने भीड़ को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण पुलिस का हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग कर रही थी। पुलिस और ग्रामीणों की तीखी झड़प भी हुई। आखिरकार सीओ ने कार्यवाही का आश्वासन दिया और जाम खोलकर वार्ता करने को ग्रामीण तैयार हो गए। नैनीताल हाईवे पर 5 बजे जाम लगा और रात करीब 7 बजे जाम खुला। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार भी देर शाम भोट थाना पहुंच गए, जिन्होंने ग्रामीणों से वार्ता की, लेकिन ग्रामीणों का कहना था कि पुलिस ने चालक को नदी में धक्का देकर गिराया है, इसलिए पुलिस पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाए। पुलिस अफसर देर रात तक ग्रामीणों को समझाने और वार्ता में लगे थे। सीओ कैमरी को घटना की जाँच दी गयी है, वह जाँच कर रिपोर्ट देंगे, जिसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। जाम खुलवा दिया गया है, ग्रामीणों को कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। क्या नाम है आपका? जाकिर भाई, एक बॉडी आई है अभी, क्या मामला है, पूरी बात बताइए। ये जो है ड्राइवर है, ये गाड़ी भर के ला रहे थे हल्द्वानी से रेती की। जब रास्ते में पुलिस की गाड़ी ने चेकिंग द्वारा इनका पीछा करा, जब इनका पीछा करा तो ये वहाँ से चले आएगा। पुलिस की गाड़ी ने आगे आके इन्हें रोक लिया, ओवरटेक करके जब इन्हें रोक लिया तो ये डरे, उतर गए तले। जब तले उतर के पीछे को भाई गाड़ी के, उन पुलिस वालों ने उठा के पत्थर मारना शुरू कर दिए इनके। पीछे नदी है पीराखार, थोड़ी सी दूरी पे, वहाँ से बहुत ऊँचा ढाया है, वो ढाई पे से तले कूद गए। जब तले कूदे पुलिस वाले इनके पीछे पड़े रहे, इसमें थाना इंचार्ज और कांस्टेबल उनके साथ चार लोग थे। जब वो तले कूद गए उसके बाद भी वो नहीं रुके, फिर वो नदी में पहुँच गए। नदी में पहुँच गए फिर भी पत्थर मारे उनके, ये आगे बढ़े। पीछे से किसी ने निकालने की कोशिश करी तो उसे भी उन्होंने कह दिया कि उसे निकालना और गोली मार देंगे। वहीं फिर कौन से गांव रहते थे ये? मिलक यकूब अली खान, पंचायत थोलापुर सादरा अपना हमारी जो ग्राम पंचायत है थोलापुर सादरा। अच्छा, मजरा मिलक यकूब अली खान। तो क्या आरोप है आपका, किसने मारा है बताएं? पुलिस ने मारा बता के। कौन से थाने की पुलिस? थानापुर। तो लगभग कब से ड्राइविंग का काम कर रहे थे? ये कर रहे थे लगभग 20 साल के आसपास हो गया। क्या नाम था इनका? वही सहमत। अच्छा, आपके कौन है ये? सगे भाई दमार। एफआईआर दर्ज करा दिया आपने? हाँ, उनको एफआईआर दर्ज करा दिए, उस पर चढ़वा एप्लीकेशन दिए उन्हें, उसमें आश्वासन दिया हमें कप्तान साहब ने और सीओ साहब ने। ठीक है, क्या चाहते हैं, क्या मांग? हमारी मांग ये है कि दोषियों को सस्पेंड हो तो वो जेल जाए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारिक परवेज है। जी तारिक भाई, एक मामला ये जो आया है, क्या है, पूरी बात बताइए। ये पूरी बात ये है कि रात मुझे पाँच छः बजे थे, उस टाइम मुझे खबर मिली कि ऐसे ऐसे मसला है थाना भोट पे। तो मैं कुछ लोगों के साथ थाना भोट पहुंचा तो वहां पर पुलिस और लोगों में संवाद हो रहा था। जब तक धरना प्रदर्शन जो था लोगों का वो हट चुका था। लोग जो थे, जो जिन्होंने रोड जाम किया था वो हट गए थे, और पुलिस ने अपने पास कुछ लोगों को बात करने के लिए बुला लिया था। तो मैं भी वहाँ मौजूद था, मैं वहाँ गया और पुलिस से मैंने बात की और हमने मुआवजे की मांग की और एफआईआर की मांग की। लेकिन रात से अब तक
ना ही पोस्टमार्टम हुआ है, ना ही FIR हुई है और ना ही अभी तक कोई मुआवजा मिला है। पीड़ित परिवार को सिर्फ चालाकी से पुलिस ने शांत करके घर भेज दिया है और अभी तक कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। और रात अभी इन लोगों का कहना है कि रात पुलिस वाले जो हैं उनके ऊपर समझौते का दबाव बना रहे हैं कि समझौता करो, तो ये सीधे सीधे पुलिस की गुंडागर्दी है जो पूरे देश और प्रदेश में इस टाइम मॉब लिंचिंग हो रही है या लोगों को मारा जा रहा है। आज इंसान की जान जो है इतनी सस्ती हो गई है कि कोई भी कभी भी किसी को भी मार दे रहा है, और अब पुलिस भी इस कड़ी में शामिल हो गई है, इस अपराध में शामिल हो गई है, वो लोगों को कुत्ते बिल्लियों की तरह मार रही है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप इनके कौन? मैं चमरौवा विधानसभा का महासचिव हूँ बसपा का। अच्छा, तो जैसे ही मुझे पता चला मैं वहाँ पहुँचा, और आज हम फिर जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा हम वहाँ थाने में एक बार फिर जो है धरना देंगे। ठीक। एक व्यक्ति की यहाँ पीलाखार नदी यही बाएँ हाथ 100 मीटर पर हो गई थाने से, उसमें डूब करके मृत्यु हुई है। उसके परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उसे दौड़ाया जिसकी वजह से वो नदी में कूद गया और फिर पुलिस उसे घेरे रही जिससे उसके डूब के मौत हो गई। पुलिस का वर्जन जो वहाँ मौके पर तो उन लोग थे वो लेके उसे अस्पताल गए थे पानी में से निकाल कर। मेरी टेलीफोनिक वार्ता जो हुई उसमें उनका कहना है कि बिलासपुर की ओर से दोनों आ रहे थे, ट्रक भी और पुलिस की गाड़ी भी। पीलाखार नदी का पुल क्रॉस करते ही बाएँ हाथ तुरंत ये थाना है। नॉर्मल कोर्स में थाने के सामने हमने गाड़ी बाएँ किनारे करके रुके उतरे, तब तक पीछे आने वाली गाड़ी हमसे 50 मीटर पहले रुक करके उसमें से ड्राइवर भाग आया, जिसे देखकर ये डाउट हुआ कि क्यों भाग रहा है। हमने उसे टोका टाकी थी और देखते देखते वो पानी में कूद गया। पुलिस के कुछ कर्मचारी, पब्लिक के जो लोग वहाँ मौजूद थे, उन लोगों ने मिल करके ढूंढने का प्रयास किया लेकिन उस व्यक्ति को बचा नहीं पाए। थोड़ी देर बाद जब वो मिला तो वो उनके हिसाब से कि लगभग सरमृत पाए जैसा ही था, लेकिन हमें लगा कि अस्पताल ले जाने से हो सकता कोई राहत मिले, तो तत्काल लेकर अस्पताल वो भागे। उसे अस्पताल से डॉक्टरों ने उसे चेक करने के बाद मृत घोषित कर दिया है। मेमो आया है, हम उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही करा रहे हैं। उनके परिजनों की ओर से जो शिकायत दी गई है उस पर क्षेत्राधिकारी कैमरी को जांच सौंप दी गई है। इसमें यदि किसी पुलिसकर्मी का दोष पाया जाता तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई। कितने लोगों के खिलाफ परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं? परिवार वाले जो पुलिस की गाड़ी सरकारी जीप थे उसमें उस समय ड्यूटी पर मौजूद उसके ड्राइवर, दो कर्मचारी और थाना प्रभारी, कर्मचारी उनके हमराह थे। मैंने बताया ना, क्षेत्राधिकारी कैमरी इसकी जांच कर रहे हैं, जांच के बाद जो तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की।